गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इन विच देयर इज अ सब टॉपिक दैट इज द नाइट्रोजन रूल. सो व्हाट इज नाइट्रोजन रूल? नाइट्रोजन रूल इज यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिकुलर आयन बिकॉज ऑफ मेनी सिग्नल्स और पीक कैन बी रोल्ड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स. नाइट्रोजन रूल rule is useful for identification of molecular ion because many signals or peaks can be rolled out on the basis of structural requirement. Structural requirements. नाइट्रोजन रूल इज यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मॉलिकुलर आयन. यदि कोई भी मॉलिकुलर आयन है तो उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम नाइट्रोजन रूल का यूज करते हैं. क्यों? बिकॉज जब हम एक हद स्पेक्ट्रा होता है तो उसमें मेनी सिग्नल्स और मेनी पिक्स आर प्रेजेंट. सो बिकॉज ऑफ दैट ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन रूल वी कैन इजिली आइडेंटिफाई द मॉलिकुलर विच इज़ द पर्टिकुलर मॉलिकुलर आयन. सो नाउ वॉट इज वॉट नाइट्रोजन रूल इज स्टेट दैट नाइट्रोजन रूल क्या कहता है? नाइट्रोजन रूल स्टेट्स दैट नंबर वन, ए मॉलिक्यूल ऑफ इवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास should not contain no nitrogen atom or it must contain even number of nitrogen atom. What does it mean? इट मीन्स दैट मॉलिक्यूल ऑफ इवन नंबर ऑफ मॉलिकुलर मास. यदि किसी भी मॉलिक्यूल का मास इवन नंबर है तो शुड नॉट कंटेन नो नाइट्रोजन. उसमें यदि एक भी नाइट्रोजन नहीं रहेगा और इट मस्ट कंटेन इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम. मीन्स इफ द मॉलिक्यूलर मास इज इवन देन इट मस्ट कंटेन नो नाइट्रोजन एटम और इट मस्ट कंटेन द इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम. Now, second thing, an odd number of molecular mass requires an odd number of nitrogen atom. What does it mean? इट मीन्स दैट एन ऑड नंबर ऑफ मॉलिकुलर मास. यदि किसी भी मॉलिक्यूल का मास यदि ऑड है तो उसमें ऑड नंबर के ही नाइट्रोजन एटम रहेंगे. दैट मीन्स इफ सपोज वी आर कंसिडरिंग दैट इफ द मॉलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इज ऑड मीन्स 63, सो इट मे कंटेन 3. That is the 3 is the odd number and 63 is also odd numbers. Means odd number of molecular mass
requires an odd number of nitrogen atom. Okay, this is the nitrogen rule. Now this nitrogen rule is applicable for compound containing carbon, nitrogen, hydrogen, oxygen, sulfur and halogen. This nitrogen rule is applicable for compound containing carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and halogens. This nitrogen rule हम किस किस कंपाउंड में हम अप्लीकेबल कर सकते हैं. जिस कंपाउंड में कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, सल्फर रहता है, हैलोजन्स रहता है. दिस कंपाउंड कंटेनिंग द कंपाउंड विच कंटेनिंग द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन्स, दिस कंपाउंड कैन बी शोज the nitrogen rule. Okay, now what are the important conclusion of this statement? Now the important conclusion of this sentence, that fragmentation at a single bond gives an odd number of fragment ion from even number of molecular ion. देखो अभी हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, हम कंक्लूजन ये निकालेंगे कि फ्रेगमेंटेशन एंड सिंगल बॉन्ड गिव्स एन ऑड नंबर ऑफ फ्रेगमेंट आयन फ्रॉम इवन नंबर ऑफ मॉलिकुलर आयन. मीन्स यदि ऑड नंबर ऑफ फ्रेगमेंट आयन है तो हमें जो मॉलिकुलर आयन जो रहेगा जो इवन नंबर ऑफ मॉलिकुलर आयन में से हमें फ्रेगमेंटेशन जो रहेगा, फ्रेगमेंटेड आयन जो रहेगा, उसका मॉलिकुलर मास कैसे रहेगा, ऑड नंबर रहेगा. कैसे, वो हमें हम एक एग्जांपल देख के देखेंगे. फॉर एग्जांपल इफ वी आर कंसिडरिंग द 2,4-dinitrophenol ओके. Now, this is the structure of 2,4-dinitrophenol, OH, here NO2 and NO2. Okay, this is 2,4-dinitrophenol. When these 2,4-dinitrophenol undergoes the fragmentation, so we will get this fragment ion. One molecular ion milenga aur ek fragment ion milenga. Theek hai? Okay, this is the molecular ion. और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ, यहाँ पे क्या आएगा देखो, NO2, यहाँ पे O पॉजिटिव, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2. This is the O पॉजिटिव. Okay, this is the fragment ion and this is the molecular ion. Okay, now we are calculating the implicit value of the fragment ion and implicit value of the molecular ion. So, वो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था. देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है,
इन दिस स्ट्रक्चर हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर देयर, 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स O5, दैट इज 5 ऑक्सीजन एटम, एंड वॉट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्सीजन, 16, दैट इज 16 इज इक्वल टू 16 5 18. देन हाउ मेनी हाइड्रोजन नाइट्रोजन एटम इज देयर, देयर आर 2 नाइट्रोजन एटम, 1 and 2 इज इक्वल टू 2 into वॉट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नाइट्रोजन एटम, दैट इज 14 मीन्स 14 2 28. ओके, देन हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिस आर द 6, दैट इज C6 इज इक्वल टू 6 into वॉट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कार्बन एटम, दैट इज 12 इज इक्वल टू 72. ओके, एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम आर देयर, देयर आर हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम, 1, 2, 3, and 4 दैट मीन्स H4 इज इक्वल टू 1 into 4 इज इक्वल टू 4. देन एड ऑल दिस सो वी विल गेट 184 मीन्स द एम्पाजिट वैल्यू ऑफ 184 दैट मीन्स द एम्पाजिट वैल्यू ऑफ दिस मॉलिक्यूलर आयन इज इक्वल टू 184. ओके, दिस इज द एम्पाजिट वैल्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन, दैट इज 2,4 डायनाइट्रोफिनोल. नाउ वी आर फाइंड आउट द एम्पाजिट वैल्यूज ऑफ दिस फ्रेगमेंट आयन. ओके, दिस इज द विद द हेल्प ऑफ सेम वे वी कैन फाइंड आउट द एम्पाजिट वैल्यू ऑफ द दिस फ्रेगमेंट आयन. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट हियर 184, बट इन दिस स्ट्रक्चर only H atom is absent, that means the we can put up the same value but one hydrogen atom is removed. So one hydrogen atom having the mass, that is 1. So here यदि हम 184 में से एक remove करेंगे मतलब 183 आएगा. Okay, means listen, हमने क्या कहा था यहाँ पे conclusion में, हमने ये कहा था कि fragmentation at a single bond gives एन ऑड नंबर ऑफ फ्रेगमेंट आयन फ्रॉम इवन नंबर ऑफ मॉलिकुलर मास. मतलब ये मॉलिकुलर आयन है उसका जो मास है वो इवन नंबर है, सो इवन नंबर में से हमें फ्रेगमेंट आयन जो रहेगा वो क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा. ठीक है, मतलब जो इवन नंबर का मॉलिकुलर आयन रहेगा उसका जो फ्रेगमेंट आयन जो मिलेगा वो कैसे रहेगा, वो ऑड रहेगा. दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन ऑफ दिस स्टेटमेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट नाउ द ऑड नंबर ऑफ मॉलिकुलर आयन, सेकंड कंक्लूजन इज दैट द ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयन विल गिव इवन नंबर ऑफ फ्रेगमेंट आयन. सो नाउ वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल हियर, CH3, CH2, NH2. ओके, सो we will get one molecular ion and one fragment ion. Okay, so this is the molecular ion and we will get CH3, this is the free radical, and CH2 double bond NH3, that is the cations. Means this is the free radical which is removed and this is the fragment ion. So here we are finding the Ambisit value of molecular ion, that is here in this case how many carbon atom are there? There are 2 carbon atom, 1 and 2. So C2 is equal to 2 into what is the molecular mass of the carbon atom? That is 12. So it is equal to 24. Now how many hydrogen atom? 2, 2, 4,
plus 3, that is H7 is equal to 1 into 7 is equal to 7. Now how many nitrogen atom are there? There are only one nitrogen atom. So N1 means 1 into what is the molecular mass of the nitrogen atom? That is the 14 is equal to 14. So add it, 24 plus 7 plus 14 is equal to 45. So implicit value of the molecular ion is 45. Okay. Now find out the implicit value of this fragment ion. So here, how many carbon atom are there? There are one carbon atom. That means C1 is equal to 1 into 12 is equal to 12. Now how many hydrogen atom? 3 plus 2 5, that is H5 is equal to 1 into 5 is equal to 5, and N is 1 is equal to 1 into 14 is equal to 14. How many carbon atom? 1. Okay, 3 plus 2, 2 plus 5 and 14. So implicit is equal to 30. C1 is equal to 1 into 12. 5 n is equal to 14. No, the akra 131. No, here 30. Yahan pe 30 chahiye. Kyun? Kyunki yahan pe hamari kya galti hui hai? Yahan pe N2. So yahan pe kitna aayega? 4 aayega. So यहाँ पे कितना आएगा 30. Okay, so implicit value of the fragment ion is equal to 30. Okay, now what the conclusion is told us, that odd number of molecular ion will cause an even number of fragment ion. Means ये जो molecular ion ये क्या है, odd number का है. यदि odd number का molecular ion रहा तो हमें क्या मिलेगा, even number of fragment ion मिलेगा. ठीक है, यदि इवन ऑड नंबर का मॉलिक्यूलर आयन रहेगा तो इवन नंबर का फ्रैगमेंट मिलेगा, और यदि इवन नंबर का मॉलिक्यूलर आयन रहेगा तो हमको ऑड नंबर का फ्रैगमेंट आयन मिलेगा. नाउ द फ्रैगमेंट आयन मस्ट कंटेन ऑल द नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर आयन्स, देन ओनली रूल इज अप्लीकेबल. मतलब ये रूल कब अप्लीकेबल रहेगा, यदि फ्रैगमेंट आयन में क्या रहेगा, इफ फ्रैगमेंट आयन कंटेन्स नाइट्रोजन एटम. यदि फ्रैगमेंट आयन में नाइट्रोजन एटम, फ्रैगमेंट आयन मस्ट कंटेन ऑल नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर आयन देन रूल इज अप्लीकेबल. दैट मीन्स यदि फ्रैगमेंट आयन में नाइट्रोजन रहेगा तो ही हम वहां पे नाइट्रोजन रूल अप्लाई कर पाएंगे. यदि उसमें फ्रैगमेंट आयन में यदि नाइट्रोजन रहेगा ही नहीं तो हम वो रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे. दिस इज द नाइट्रोजन रूल. Thank you.